स्टार्ट है। ये एक पेंडुलम है, लेकिन इसमें एक मजे की बात है कि एक फ्रेम है, ये धागा है, नायलॉन थ्रेड है, और ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है। ये मैग्नेट हम बोलते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट। ये नियोडाइमियम मैग्नेट बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है, और इसको हम मशीनरी में, इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज़ करते हैं, बहुत जगह अच्छी तरह यूज़ करते हैं, और इसको हम ये एक्सपेरिमेंट में यूज़ करें। इसका उपयोग देखो। ओके, अभी ये पेंडुलम ऑसिलेट किया तो ये आंदोलन करता है, उसका आयाम बहुत बड़ा है, बहुत देर तक ये चलता रहेगा, बहुत देर तक चलता रहेगा, लेकिन बाद में रुकेगा क्योंकि हवा का रूल है। लेकिन यदि हमने स्लैब रखा नीचे और इधर से छोड़ा तो देखो मैजिक क्या होते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि एक दो ऑसिलेशन के अंदर ही खत्म। ऐसा क्यों होता है ये सोचने का, तो लोग बोलते हैं कि मैग्नेट और एल्यूमिनियम के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। गलत बात है। ये एल्यूमिनियम ये पैरा मैग्नेटिक है, और ये पैरा मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें मैग्नेट के बारे में ज़्यादा आकर्षण नहीं रहता है, बहुत 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 कम, इतना कम कि नहीं के बराबर, यानी कड़े वीक इंट्रैक्शन, इतना वीक है, इतना कमज़ोर है कि एक्चुअली वो मेटल को चिपकता नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब हम स्लैब रखते हैं और ये ऑसिलेट करते हैं तो सडनली रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कोई इसको ब्रेक लगा है। ये कौन सा ब्रेक है? मैग्नेटिक ब्रेक। ये मैग्नेटिक ब्रेक क्या चीज़ होती है ये देखो, ये कैसे काम करते हैं, इसका साइंस, इसके पीछे विज्ञान क्या है देखो। इसके पीछे विज्ञान ये है कि जब ये मैग्नेट इसके ऊपर मूव होगा तब इसके मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण, इसके हलचल के कारण, ये एल्यूमिनियम का जो स्लैब है, ये जो पट्टी है, इसमें बहुत सारे करंट डेवलप होते हैं। करंट यानी विद्युत धारा तैयार होती है। ये विद्युत धारा लूप के मुताबिक होती है, और वो इसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स ये क्या करते हैं कि अंदर जो मेटल है इसके अंदर एक लूप करंट जो ग्लोज है, वो लूप करंट के कारण इसके ऊपर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये मैग्नेट के फील्ड को अपोज करते हैं, यानी इट विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। ये इसका जो हलचल है इसको ये रोक करेगा, इसको रोकने का कोशिश करेगा, और ये रोकने का कोशिश करता है क्योंकि फैराडे लॉ और लेंज लॉ, फैराडे लॉ और लेंज लॉ ये हम जूनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह है कि इसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा डिस्टेंस रखा तो इतना इफेक्ट नहीं देगा, और एकदम कम रखा तो इसको टच करेगा, तो टच तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिमम है देखो, एकदम बेस्ट। लेकिन अभी हमने समझो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और छोड़ा, तो अभी इसका इफेक्ट गया। ये क्यों गया? क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा है देखो, थोड़ा है, लेकिन इतना नहीं है जितना दिखने को पहले आता था। अब ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ा है तो रुक गया। ये जो आपने देखा वो एडी करंट का इफेक्ट है। ऐसा ही एक कॉपर प्लेट है, ये कॉपर है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के अपोजिट प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, लेकिन ये मैग्नेट और कॉपर के बीच में इंट्रैक्शन वीक है, बहुत वीक है। वीक यानी इतनी वीक कि नहीं के बराबर है। लेकिन इधर भी हमको एक बहुत आश्चर्य का एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, बहुत मैजिक जैसा एक्सपेरिमेंट है, जादू जैसा एक्सपेरिमेंट है। जब हम ये मैग्नेट को ऑसिलेट करेंगे तब ये कॉपर प्लेट क्या करती है देखो, ऐसे घूमती है। अभी सवाल ये कि ऐसा कॉपर प्लेट क्यों घूम रहा है, तो इसमें भी वही जवाब है,
कि जो मैग्नेट ये मेटल के ऊपर मूव करेगा तो इसके अंदर एडी करंट लूप तैयार होंगे, और वो एडी करंट लूप्स जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, स्टॉप करेगा, मोशन को अपोज करेगा, और ये है फैराडे लॉ और लेंज लॉ। अभी मैंने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है वो एकदम कम किया, इतना कम किया कि ऑलमोस्ट टचिंग, नॉट टचिंग, थोड़ा एक दो मिलीमीटर ऊपर है, लेकिन अभी इफेक्ट देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। देखा, अब ये सवाल है कि इतना ऐसे जोर से क्यों घूमता है, ये क्या है, इसमें साइंस क्या है? तो साइंस है फैराडे लॉ और लेंज लॉ। यही बात हम कुछ पतला मेटल प्लेट रख के भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो ये आगे पीछे घूमता है, और छोटा रखा, यस, इसका इफेक्ट आपने देखा होगा, ओके, यू कैन एडिट, फाइन।